सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा सब का अपने आप के चैनल गंगानगर पोस्टो मीनिया से। अज आप इंटरव्यू लैके जुड़े एक बहुत ही पुराने प्लेयर की, इस एरिए एक शख्सियत साढ़े नाल जुड़े ने गोपी भुल्लर जी। सत श्री अकाल भाई जी। वधिया जी वधिया, होर भाजी सब आगे घर परिवार ठीक है जी? सब भाजी बहुत वधिया चल रहा भाजी अकैडमी का। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया भाजी। भी अकैडमी का थोड़े माइंड की है भाजी? माइंड च इदा सी जी, एक तो अपने स्पोर्ट्स हूँ खत्म हो रहे हैं। हाँ जी, और कुछ मैनू भी सीगा भी मेरा बच्चा एक स्पोर्ट्स लाइन से जा, तो मैं हूँ मैं होस्टल से छोटे होने करके नहीं ला सकता, तो मेरे मन से आई भी नहीं आप इतने आपके शहर से अकैडमी। वो विचार मेरे चार पाँच साल पहले ही आ गए जी मन से, भी एक स्पोर्ट्स भी जोड़ा वो सिर्फ अकैडमिया रह जूगा प्रोपर आम खत्म हो जाऊ। तुम देख रहे होंगे शहर से पिंड से ग्राउंड खत्म हो गए, सारे बच्चे फोन से लगे रहते। और स्पोर्ट्स भाई ये जी चीज़ है लाइफ में सारों जरूरी, स्पोर्ट्स सिखाना तो हर लोग ऐसी समझ नहीं। मतलब भाजी तुसी इस अकैडमी की शुरुआत खुद परसनल अपने बच्चे लिए? बिल्कुल बिल्कुल भाजी, मेरा जो बच्चा 2011 च पैदा होया उदो मैं ये थी भी इन अपना एक स्पोर्ट्समैन हो। हौली हौली जो 4-5 साल का होया तो आप ही देखा भी बहुत अच्छा बैटर, फिर वो 5.5 साल का होया उन्होंने मैं देखा वो बोलिंग कर लग गया आप यूट्यूब से देख, मैंने बड़ा होया भी है। तो जो तीन 6 साल का होया तो मनोगे नहीं भाई, वो बैक एंड स्लो रन मारन लग गया, तो मैं लगे भी इतने गुण है स्पोर्ट्स में। पर मेरा मन शुरू च ये थी भी इन आप अच्छी अकैडमी से बाहर भेजेंगे, उसू मैं किसी कारण नहीं पूरा कर सकता। होस्टल से मैं ला नहीं सकता छोटे ने, आप मैं बाहर आपका काम है जरा खेती का छट के नहीं जा सकता। मेरे मन से फिर विचार आने लग गए भी नहीं कि इतने आप शहर के अंदर अकैडमी दी, तो मन से विचार चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर मैं घरें डिस्कस की सारे ने, पर कर देने सारे ने मना करना, पर मैं क्या भी नहीं मैं आपके बच्चे वास्ते करना। फिर 2021 के अंदर यह टाइम आया जी मैं जी नहीं लगी, तो एक साल के अंदर ही अब बन के तैयार हो। क्रिकेट अकैडमी के अलावा भाजी होर की फैसिलिटी ने भाजी? ये अंदर एक स्विमिंग पूल है जो स्पोर्ट्समैन वास्ते बहुत जरूरी, और अलग से आप स्विमिंग करनी है जो आप स्विमिंग सीखेंगे। फिर अपने को इंडोर बॉलिंग मशीन है भाजी, बैट्समैन वास्ते फील करने वास्ते बहुत अच्छी, अगर आप अच्छे बैट्समैन बनना है तो भाजी अपने फील करनी बहुत जरूरी, और जो बॉलिंग मशीन बिना हो जाए। और एक स्पोर्ट्समैन भाजी डाइट लेना बहुत जरूरी, वो डाइट के परपज तो आप इतने रेस्टोरेंट किया है जिसके अंदर फास्ट फूड तो मिलता मिलता है, प्रोपर अपनी डाइट प्लेयर में जोड़ी चाहिए है वो सब आप। और अपन नेक्स्ट भाजी ये अंदर आप जिम शुरू कर रहे हैं बस 10वें महीने, अकैडमी जिसके अंदर सारा कुछ है वो नहीं मिलना जी। तो तुम्हें हर चीज़ उत्थे उपलब्ध होगी, अब तुम जाओगे जितने वड्डी अकैडमी भाजी चंडीगढ़ की, तुम उस फी नहीं पे कर सकते करोगे। एक बच्चे तो 25-30 हज़ार रुपये महीने का ले रहे भाई, जितने मान लो पूल है जिम है ग्राउंड है, 25-30 हज़ार रुपये का मतलब समझ लो भी 2.5-3 लाख रुपया। आम पेरेंट्स इतों के लोकल कितों देंगे? अपने इतों का मुंडा हैगा वो जितों जो जिल निकले वह कोच है वो 3 लाख रुपये पहला जमा कराया था, मेरे को बैडमिंटन खेलन हूँ जी बच्चा कहता मैं जितनी अकैडमी से 4 महीने ला के आया सीगा 21 हज़ार रुपये महीने की फीस की कर लेना। बाकी स्कूल पढ़ा भी होंगे भाजी, ट्यूशन वगैरह की टेंशन होगी, ट्यूशन भी है स्कूल भी है सारा कुछ है भाजी। क्रिकेट की शुरुआत थोड़ी कितों हुई भाजी? मेरी शुरुआत 1994 च हुई, पर 1993 के अंदर मैं गंगनर गुरुआती स्कूल से पढ़ता सी होस्टल के अंदर, उसके नाल खालसा कॉलेज है स्कूल है उत्थे बच्चे खेलते थे क्रिकेट, तो असं भी संडे कित चले जाते जिसे खेल लेंगे थोड़ा बहुत। पर 1994 के अंदर मैं रैसे नगर आया, इतों फिर मैं शुरुआत की आपकी गली से क्रिकेट खेलने, फिर मैं स्कूल के अंदर से मेरे फ्रेंड सर्कल से, फिर वो फ्रेंड सारे मेरे की बाणिया के बच्चे थे, तो वो सारे यहाँ के घर थे माणा पार्क के कोल जरा होंगे माणा पार्क, उस टाइम वो पैराडाइज से कंपलसरी स्कूल के नाम तो प्रसिद्ध थी, तो अभी उत्थे मैं स्कूल चो आना 4 बजे
बैग इतने रखना तो सीधा उस ग्राउंड उत्थे शुरुआत शुरुआत पाई। फिर इतों मैं आपके महल की टीम लैके जानी तो उन्होंने अभी मैच लाने लैदर से गोल ठीक है। बस उतों हौली हौली रुचि पैंती गई। फिर आस पड़ोस के जिन्हें भी लोकल टूरनामेंट से साढ़े पिंड लैदर गोल के वो खेलने शुरू करते कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया। टाइम निकलता गया टैनिस बॉल आ गई। टैनिस बॉल के अंदर दो साल बाद टैनिस बॉल आ गई 1996 में तो उस टाइम की अभी फर्स्ट वाली विकेट मिली हाँ लोगों दी बहुत एरिए टीम साढ़े को खेलन आई बहुत जबर बहुत अच्छा टूरनामेंट रहा। उस दिन अंदर मेरी पहली सेंचुरी में मारी 1996 में। फिर इतों होर मनोबल बढ़ता गया खेलना शुरू करता फिर एरिए खेलते रहे हौली हौली। फिर एक टाइम यह जाया 2007 के अंदर मुरुखी बोल आ जिद कैरीयर से बहुत फर्क पाया बहुत ऊंचाई छुई पूरे एरिए अंदर खेले चलता गया हौली हौली। भाजी जिहड़े टाइमां जो तुसीं टैनिस क्रिकेट खेलनी शुरू की है उन्होंने टाइमां भाई प्राइज सिस्टम की होंदा सी? भाई उस टाइम कोई प्राइज नहीं होंदा सी सिर्फ एक जनून होंदा सी क्रिकेट का सिर्फ एक शील्डां होंदियां सीगियां वो भी बहुत हल्कियां क्वालिटी दियां पर उस टाइम जनून ही इहजा सी भाजी वो प्राइज उहदे सामने कुछ भी नहीं करदा। मतलब भाजी उन्होंने टाइमों जो जिदा मान लो पहला 1100 2100 5500 तो हम 55000 तक क्रिकेट पहुँच गई भाजी स्वाद कि टाइम बचा दी भाजी उन्होंने टाइम हूँ पैसा जरूर है पर वो स्वाद है ठीक है भी एडवांस हो जाता सारा सिस्टम भाजी पर उन्होंने टाइम से 15-15 16-16 ओवर के मैच होंगे मैच खेलने का भी मज़ा आता सी तो वो जनून सगा लोग देखने वाले बहुत सके भाजी अजक टूरनामेंट हूँ देखने वाले किन्ने जने नहीं होंगे पर उन्होंने टाइम से ग्राउंड भरे होंगे जितने मर्जी चलो जो थोड़ी कदर भी करते लोग थोड़े अगे पिछे फिरते अगे भाजी टूरनामेंट घट होना दर्शकों का ज्यादा आना तो अजक टूरनामेंट भाजी पिंड पिंड ही करा रहे हैं चीज़ा मानते हो फर्क? मैं नहीं मानता भी टूरनामेंट ज्यादा हो रहा पहला टूरनामेंट ज्यादा होंगे हूँ टूरनामेंट बहुत घट पर टूरनामेंटा अंदर भाजी यह है भी अजक अगर टूरनामेंट कोई करा भी रहा तो सिर्फ एक दो जने रल के करा रहे अंदर पूरे पिंड का सहयोग नहीं पर पहला ठीक है भी लाइव टैलीकास्ट वगैरह यह चीज़ा पहला नहीं सी इनाम पहला है नहीं सी तो वो अलग गल है पर पहला टूरनामेंट भी ज़्यादा आते थी उसमें देखने वाले भी ज़्यादा आते थे तो रोमांच भी ज़्यादा आता सी आज तो ठीक है तुम खेल आए उस टाइम अगर खेलने बाद भी थोड़ा 10-10 दिन उस मैच का जनून चढ़िया रहता। भाजी गोपी भुल्लर का मेन नाम तुम कितों मानते हो किस सन च बनया कि उपलब्धि तुम हासिल की जिद बाद गोपी भुल्लर का इन्हें नाम मांगे थे? भाई शुरू से क्रिकेट चलती रही है हौली हौली चलते रहे 2009 के अंदर टूरनामेंट ये आए मुरुखी बोल आई थी मैं दसदा जो 2007 के अंदर फिर 2009 के अंदर मन के चलो भी अच्छा स्कोर किया हर एरिए से जाके। भाजी करियर का तुम कि मैच मानते हो सब तो बेस्ट मैच मैं वो खेलिया बहुत तगड़ा मैच लगे पर मैच बहुत सी काफ़ी मैच सके बाकी थोड़े आप पहले डिस्कस भी की है इतने नाइट टूरनामेंट हो यार गंगनर बट्टी जो है टूरनामेंट या होर भी कई थां बहुत तगड़ी तगड़ी टीमों खेलने मिले या गणेशगढ़ गए थे अभी 2011 के अंदर उत्थे एरिए लमसम मान के चलो भी टुट ले जा प्लेयर नहीं जोड़ा नहीं तो वो असं फाइनल आ रहे थे गंगनर की टीम तो सचिन आ रहा था उस मैच वो अंदर भी मैं अच्छे स्कोर किए 2-3 शतक मारे दीपू लैफ्टी भी उस टाइम साढ़े नाल ही खेलते थे। भाजी प्यार कि प्लेयर ना सुधा जा रही है अच्छे टाइम ये देखो मेरी मैं इन्ना टाइम हो गया क्रिकेट खेलते हैं लमसम तुम्हें किसी ना भी मिलोंगे तो मेरा हर बंदे ना ही प्यार ठीक है अज ताई मैं क्रिकेट के अंदर किसी बंदे ना बिगा नहीं और ना ही किसी लड़ाई टोटल जिन्हें भी एरिए अंदर है सब ना आप इन्ना प्यार समझ लो आप भरा तौर पर रखे अज के टाइम भाजी तुम कि प्लेयर मानते हो जो गोपी भुल्लर कल राउंड से मैच जिता सकते किड़े किड़े प्लेयर नहीं भाई हूँ बहुत है देखो दीपू लैफ्टी है बहुत अच्छा खेली जाता अपने एरिए का नाम रोशन और बहुत है जिमें कर्णपुर के बंबरी है और मुंडे बहुत है इतों के हम खाटा का मुंडा है अच्छे मुंडे कई है खेलने वाले बहुत पहला भी बहुत सके भाजी सब तो तगड़ा फसवा मैच थोड़ा किम मानते हो भी मैच बहुत तगड़ा लगता देखो फौजी की टीम ना हमेशा ही मैच बहुत तगड़ा लगता
मैं टूर्नामेंट से अगर अभी हारता सी मैं तो सिर्फ वो टीम तो ही हारता सीगा काकू सिंह वाला टीम फौजी हाँ फौजी की टीम होंगी सी काकू सिंह वाले नहीं पूरी एरिए टीम होंगी सी ठीक है जमें सारे वो दीपू हो गया उस टाइम दीपू नहीं होंगे छोटा होंगे दीपू का होर मुंडे बहुत सी मनदीप हो गया इंदर हो गया कई मुंडे बाहर चले गए अमृत सिगा अच्छे अच्छे प्लेयर होर बहुत सी भाजी सब तो औखा कि बॉलर फेस करना लगता है यार ये बॉलर थोड़ा तेज है भाई तेज बॉलर कितने नहीं तेज बॉलर मगर तो मेरे बहुत स्कोर किए हैं पर राजू लैफ्टी से जरा या हरिंदर से हूँ तो वह बाहर आस्ट्रेलिया उन्होंने फेस करने से दिक्कत होगी क्योंकि लैफ्टी के नाल स्पिनर भी सी ठीक है उन्होंने फेस करना थोड़ा जहा मुश्किल से बाकी तो आम तो नॉर्मल भाजी कद माण होया अपने आप से भी मैं बहुत छक्के मारले बहुत शतक मारे तो ना चलता कद उन्हें पीक टाइम तो महसूस होया कद नहीं मैं नॉर्मल ही रहा अज भी तुम देख लो अच्छ मैं नॉर्मल ही उन्होंने टाइम भी यह भी ठीक है भी आपका गेम है आप खेल आए तो आके मैं हार्डवर्क बहुत करता इन्ने लंबे टाइम खेलने का कारण यही है कि मैं आके भी हार्डवर्क कर किन्नी एज भाजी अच्छी होगी थोड़ी अज मेरी 41 होगी 40 साल की उम्र च मैं हजे भी वेख्या बहुत वधिया खेल लैंदे तुसीं बस चली जाता हजे तो 2 साल हो गए 3 साल हो गए हूँ आउट ऑफ प्रैक्टिस है ठीक है पर गेम के टच रही हमेशा थोड़ा बहुत किन्ना क सफ़र इंजॉय किया भाजी एक प्लेयर तो एक कोच बनने तक का सफ़र देखो जी मैं आपकी इंजॉय इन्ना लाइफ इंजॉय किया पुछो घरें फिर भी मैंने कह देंगे आस पड़ोस रिश्तेदार कह देंगे यार तेरी एड्डी उम्र होगी तू खेलता करना पर मैं उस चीज़ों की परवाह नहीं की मैं उन्होंने आई कहना मैं क्या तुम वे शहर जाके देखो लोग 80-80 साल के खेल मैं क्या तुम जीवन से आए हो इंजॉय करना देखो कम करना बहुत जरूरी है मैं 1996 ही भाजी कम कर लग गया जरूरी नहीं है भी अगर तुम स्पोर्ट्समैन हो तो तुम कम नहीं कर सकते हाँ जी हाँ जी जरूरी है मैं बहुत आपकी लाइफ से कम किया पर मैं स्पोर्ट्स मैं ये सीखा भी अगर मेरा मैच है तो मैं आपके पहले ही मेरे माइंड के अंदर सारा कैलकुलेशन रही थी भी इस दिन मैच है अपने तो आह काम आप करने वह मैं एडवांस ही करके रख लिया सारा कितने काम में आपके उत्ते हावी नहीं होता भी आप चढ़ाई रखो यार कल कर लेंगे कल कर लेंगे फैमिली की भाजी कि सपोर्ट मिली इस प्रोजेक्ट में थोड़े करियर में कि सपोर्ट फैमिली की मिली नहीं फैमिली ने कोई अपने एज ही नहीं है ठीक है स्पोर्ट्स पहला तो लगता से उन्होंने भी नहीं आ सैटअप सही नहीं गा पर उन्होंने मैं समझाया भी हर चीज़ पैसा ही नहीं होंगी तो हम भाजी हंगारा ठीक मिल रहा फैमिली वाला नहीं हम ठीक छोटा गोपी भुलर करता मेहनत भाजी बिल्कुल 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 9.5 साल का हो गया ठीक है फुल मेहनत कर रहा है मेहनत आप सारा सैटअप ही वे लाया तो जिन्ना तुम मेहनत भाजी कर रहे हो खुद ही अकैडमी बनाती परसनल भाजी हंगारा मिल रहा वो वालों बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी नैक्सट आने वाले टाइम तुम देखे मेहनत किन्नी करता वो तो वो सिर पर डिपेंड करता आप जी हर चीज़ है वो मुहैया कराई है होर प्लेयर भाजी अकैडमी जो कोई हो रहे नवे तैयार बिल्कुल बिल्कुल लड़के काफ़ी है अच्छे मेरे को काफ़ी लड़के आ रहे हैं अपने कहते हैं एक अपना लड़का उपगड़ता है उन्हें अपना अंडर 19 खेल गया डिस्ट्रिक्ट होर भाजी नवे टैलेंटड मुंडे इतों निकल के कि जा रहे हैं देखो अभी तो शुरुआत है ठीक है अभी 8 महीने हुए अपनी अकैडमी पर अभी तुम्हें यह विश्वास दवाने भी आने वाले साल से अपने बच्चे बाहर खेल अपनी पूरी कोशिश है ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं आया फिर नव नवी है ये बच्चा समेजा कुटी तो भाई डेली अप डाउन करता है इतों अपने तो 30 किलोमीटर दूर है और बच्चे ने इन्नी इंप्रूवमेंट की है ये आने वाले भविष्य के अंदर यह भी बहुत अच्छा प्लेयर बन के निकलने वाला है बच्चा बहुत देखो जी मैं उस पेरेंट्स को सलूट करता जेडे बच्चे आपदे नू स्पोर्ट्स के प्रति जरूरी बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स अगर तुम माइंडली तो शारीरिक फिट होना तो जीवन के अंदर भाजी दूर से कुछ भी नहीं चाहे तुम 2 रुपये ही कमाने अगर तुम माइंडली तो शारीरिक फिट होना तो बस वे उस अगे सब कुछ खत्म ये मन के देना हर इंसान देखो जी जिद को पैसा नहीं होगा वो पैसे पिछले पाए जिद को पैसा वो पुछ के देखेगा सुख है भाजी थोड़ी परसनल अचीवमेंट कितनी है क्रिकेट देखो परसनल तो हम की कह सकते टाइम से उन्होंने कुछ नहीं अभी तो इतने लोकल ही खेल के रह गए तो ही अफसोस होंगे सानू तो ही एडा वा कदम उठाया कि आपदे ही अभी वो सैटअप अभी देने की कोशिश की है भी एक छोटे शहर से होने करके अभी पिछे रह गए भी वो अगले बच्चे है जोड़े वो पिछे ना रहे
और हर फैसिलिटी मैं इतने देना चाहना जी एक स्पोर्ट्समैन चाहिए। अगे भाजी पैसा नहीं होंगे सी क्रिकेट पर सुकून होंगे सी, अजकल भाजी पैसा बहुत हो गया, इस टाइम फिक्सिंग बहुत हो गई भाजी। मैं देखो हम मैनू काफ़ी सुन च आ रहा है भी लोग फिक्सिंग कर रहे हैं, पर गल एक पैसा ही कला यह नहीं होंगे, सारा कुछ भी अपना सोचे भी पैसे की लोग थोड़े से विश्वास करते हैं, थोड़ा मैच भी खिलाई होंगे भी उन्होंने आप आशा से अपन नहीं हमें पानी फेरना चाहिए कि आप नज़र से गिर जी आप सिर्फ एक चंद पैसों का। दूजी गल भाजी जिन्ना ज़्यादा प्राइज है उन्नी दूरों प्लेयर सदती हैं टीम, प्लेयर भी बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, खेल आ किराया अट लेंगे मैच भी सद लेंगे, तो प्लेयर भाजी दूजिया टीम भी लोकल प्लेयर का विश्वास घट बता भाई। देखो कुछ तो लोकल प्लेयर अजक रहे मन के चलो स्पोर्ट्स खत्म हो रहे हूँ, मन के चलो भी पहला जमें कहते जी भी एक किट पट लो तो कलाकार निकल आता, उमें हर पिंड के अंदर अच्छे प्लेयर होंगे पर अज तुम जाके देखोगे तो प्लेयर तुम नहीं मिलने, वह कारण मेन ये है भाजी स्पोर्ट्स प्रति ना तो पेरेंट्स का ध्यान है, पेरेंट्स के ध्यान करके बच्चों का ध्यान है, क्योंकि पेरेंट्स अगर बचपन से अगर बच्चा पैदा होया दो तीन साल का होया बेटा चलो स्कूल, पाँच साल तई चलो बेटा ट्यूशन, दस साल का होया बेटा चलो कोचिंग सेंटर, तो मेन मकसद ही उन्होंने सिर्फ पढ़ाई रह गया, स्पोर्ट्स प्रति कोई उन्होंने है ही नहीं, स्पोर्ट्स बहुत घट रह गए विरले प्लेयर रह गए, उन्हें करके उन्होंने डिमांड ज़्यादा है फिर वो पैसा मंगते हैं, तो अजकल तुम्हें पता है भी महंगाई भी इन्नी ज़्यादा हो गई है। बाकी भाजी पिछ पिछे जो एक टूरनामेंट सी 52,000 प्राइज सी भाजी, 30-40,000 प्लेयर लै गए थे, टीम जितियां भी नहीं भाजी। भाई देखो तुम्हें मैं दसी ना प्लेयर घट होने करके भाई पहला सी एक सिर्फ आप स्पोर्ट्स पर हूँ जिधे भी प्लेयर है वो मन के चलो सिर्फ पैसे वक्त उन्हों का फैशन नहीं गा बिजनेस, हाँ जी माड़ी गल भी मन के चलो अगर आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी आपकी लाइफ खराब कर रहे हैं, मान लो देखो स्पोर्ट्स ठीक है पहला जो तीन आप बचपन से होंगे इंजॉय वास्ते खेलते हैं, जो अपनी उम्र निकल जाती है आप पैसा भी कमाने घर खर्च वास्ते। ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਪੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਚ ਫੀਸ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਨਿਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਟੈਨਿਸ ਬੋਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਲ ਲਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੈਨਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੱਲਾ ਕਮਾ ਤਾਂ ਛੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਐਵੇਂ ਮੈਚ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਰ ਪੀਕ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਲੈਦਰ ਪੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੇਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਲਣ ਅਤੇ ਕਰਨਪੁਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਡਰ 19 ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਲੂ ਕਰਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਬੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਲੀਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਲੀਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਅ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਅ ਜੀ 23 PS ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰ।
अज वो अंदर कोई नवा प्लेयर नहीं आया, प्लेयर वो ही 2014 वाले अज है, तो 2014 से वो और उन्होंने बहुत टाइम लाता। किड़े प्लेयर मानते हो तुम भाजी बहुत चंगा कर रहे हो अच्कल नेड़े देख रहे हो? बढ़िया सारे हैप्पी है, बहुत अच्छा है। दिलीप कुमार है, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग है। वो गोपाल है अपने, वो टीचर है सरकारी, फिर भी आपका टाइम कटते हो खेल के आते हो, बहुत अच्छा करते हो। सुरेंद्र सिंह जी साढ़े जोड़े हूँ अपने कहते इस टाइम चंडीगढ़ है, तो मैं लगता भी है भी अच्कल उन्होंने रणजीत टीम के अंदर नाम अनाउंस होने वाला, वो भी साढ़े वास्ते बहुत वीड्डी साढ़े पिंड वास्ते अचीवमेंट होगी भी अगर उन्होंने नाम अनाउंस होंगे। कोई भाजी क्रिकेट से एक यह चीज़ जी फील बहुत होंगी हो यार उन्होंने मौक से मैं भाजी मिली फील ये होंगी है भी उम्र निकल उन्होंने चीज़ों से लाइव है नहीं थी, इन्होंने चीज़ों का बड़ा फील होंगे। फैसिलिटियाँ हूँ जमें दिनों दिन वधी भी जाए, उन्होंने टाइम से नहीं होंगे सी, कुछ तो यह है भी उम्र नहीं रुकती। कोई भाजी इदा की चीज़ फील होंगी हो यार उस मौके पर मैं वो चीज़ मिस कर गया या मैं उसे इदा खेलना चाहिए? हूँ भाजी मन के चलो बहुत हूँ, मैं बच्चों भी दसदा हूं भी जो तक तुम मत्था खपाई नहीं करते कुछ नहीं हासिल। असी जो शुरू के अंदर सी उदो गलतियां कर देंगे भाजी, एवं आउट हो जाना भी आपको इनू मारना तो आउट हो जाते, पर जो उम्र निकलती थी अकल आई बारी बिल्ड करनी आई उदू टाइम निकल जाता भाजी, पर यह मन के चलो भी थोड़ू अकल है वो धक्के खा के आओ कल नहीं होने भी इतने तो मरण वाली गल होती जगह टूर्नामेंट मैच आ इतने का मतलब ही नहीं भी किसी प्रकार का मैच हारना, फिर रब ने इन्ना साथ दिता भी वो मौका ही नहीं आया हारने वाला। हकीकत गल है भी वन सैडेड इन्ने मैच खेले मैं और मैं जिंदगी अंदर इन्नी क्रिकेट खेली भाई पर मैं कि दबिया नहीं, प्लेयर जो दब जाता वो कम हो मैं इंजॉय करके खेलता स्कोर करना इसका। तो भाजी जान लगे अखीर चीज़ नवे यंगस्टर पेरेंट्स को की संदेश देना चाहोगे? देखो जी मेरा मेन तो पेरेंट्स को यह है कि बच्चों को स्पोर्ट्स प्रति जरूर आपदे लेके आओ, लाइफ सिर्फ एक ये नहीं भी आप पैसा कमाने या नौकरी करनी, मैं देख रहा हूँ हर पेरेंट्स से चाहता भी साडा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करे, नौकरी करना ही सारा एम नहीं है जीवन का, तुम स्पोर्ट्स प्रति आओ अगर तुम माइंडली तो शारीरिक फिट होना तो जीवन के अंदर कुछ कुछ भी कर सकते, जरूरी तो नहीं है भी हर बंदा देखो नौकरी वास्ते नहीं बने, तुम आपका बिजनेस कर सकते हो स्पोर्ट्स के अंदर, मान लो अगर प्लेयर नहीं बनते तो अच्छे कोच बन सकते हो, अच्छी स्पोर्ट्स की आपकी दुकान खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते, पर अगर तुम फिट हो तो सारा कुछ। और मैं देख रहा पेरेंट्स की करते छोटे बच्चों इन्ना बटन पाई जाते आपके बेटा पढ़ ला नौकरी लग जा, सिर्फ आप एक जीवन अपना ही रह गया भी आओ तो पैसा कमाओ तो जाओ, तो जीवन अगर भगवान ने अगर जीवन दिता तो यहाँ इंजॉय करो, फिर तो अपने नालों तो पशु चंगे भी ठीक है आपका किता जिक्र है, जीवन एक सिर्फ पैसा नहीं है, ये जीवन अपने इंजॉय करो, बच्चों इंजॉय कर दो फुल, उन्होंने देखो जी जिन्हें पढ़ना है तो उन्हें खेल के भी पढ़ जाए सही, तो तुम आखो भी अगर मैं 24 घंटे उन्होंने पढ़ाई से लाई रखूँगा तो पढ़ जूँगा नहीं।